गाइस, हम जब ड्राइंग कार्टून्स 2 ऐप से बनाई गई वीडियो को जब काइन मास्टर में ओपन करते हैं तो उसमें अनसपोर्टेड वीडियो कोडेक की प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब ड्राइंग कार्टून्स की वीडियो काइन मास्टर में सपोर्ट नहीं कर पाती है। सो गाइस, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है कि हम कैसे ड्राइंग कार्टून्स ऐप की वीडियो को काइन मास्टर में ओपन करें। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो ऐसे ड्राइंग कार्टून्स की वीडियो काइन मास्टर में एडिटिंग करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 3 बेस्ट तरीके बताऊंगा। और इनमें से मैं खुद कौन से तरीके से अपना वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो भी वीडियो में कहीं ना कहीं पर बता दूंगा। तो इन तरीकों के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं आखिर क्यों ड्राइंग कार्टून्स की वीडियो काइन मास्टर में सपोर्ट नहीं कर पाती है। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि काइन मास्टर में 29 FPS की वीडियो को सपोर्ट करने की क्षमता है और ड्राइंग कार्टून्स ऐप की वीडियो 59 FPS का है। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ड्राइंग कार्टून्स की वीडियो का फ्रेम रेट काइन मास्टर से ज़्यादा है, इसलिए इसमें इसकी वीडियो सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो ये 29 FPS और 59 FPS क्या होता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, तो अब बात आती है कि इसका सल्यूशन कैसे निकालें, इसकी वीडियो काइन मास्टर में ओपन कैसे करें। तो पहला तरीका है एक्सपोर्ट फ्रॉम पावर डायरेक्टर टू काइन मास्टर। हाँ, तो आपको ड्राइंग कार्टून्स की वीडियो पावर डायरेक्टर में ऐड करनी है क्योंकि ये हर FPS की वीडियो को सपोर्ट करता है। इसके बाद एक्सपोर्टिंग कर देना है, इससे वीडियो की FPS कम हो जाएगी और अब इसे आसानी से काइन मास्टर में ओपन करके तड़का लगाएं, स्वादानुसार नमक मिर्च मसाला डाल के एक स्वादिष्ट कार्टून वीडियो बना दीजिए। यहाँ कहने को तो मैंने बड़ी आसानी से कह दिया कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि पहले ड्राइंग कार्टून्स में एक्सपोर्ट करो, फिर पावर डायरेक्टर में, इसके बाद काइंटर में, मतलब एडिटिंग से ज़्यादा समय तो एक्सपोर्टिंग करने में ही लग जाएगा। तो हाँ, अगर आप अपनी कीमती समय बचाना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके को फॉलो कर सकते हैं, पावर डायरेक्टर। हाँ, आपको पावर डायरेक्टर में ही उस वीडियो को काट छाट मर मसाला सब कुछ डाल देना है और अच्छा सा कार्टून वीडियो तैयार करना है। लेकिन सिकंदर, हमने तो कभी पावर डायरेक्टर यूज करा ही नहीं है, तो हम एडिटिंग कैसे करेंगे और इसमें तो वाटरमार्क भी आता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पहले काइन मास्टर यूज करना आता था? नहीं। लेकिन अब यूज करते हो ना? हाँ। तो इसमें और काइन मास्टर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसके और काइन मास्टर के फीचर दोनों सेम ही है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और बात रही वाटर मार्क की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पावर डायरेक्टर की मोड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन सिकंदर, ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई और आसान ट्रिक है तो बता ना। हाँ, एक और ट्रिक है जिनसे आप ड्राइंग कार्टून्स में ही कुछ ही मिनटों में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे वीडियो की क्वालिटी पर कुछ फर्क पड़ सकता है। अरे जाने देना यार, तू बता, हम मैनेज कर लेंगे। तो आप बोल रहे हैं तो चलिए बता दे रहा हूँ। तो तीसरा तरीका ये है कि जब आप इसमें कार्टून वीडियो बना के एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वहाँ से एक्सपोर्ट करने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करें और एनिमेशन की हुई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक स्क्रीन को रिकॉर्ड कर दें। बस जितनी वीडियो की लंबाई होगी उतना ही समय लगेगा, मतलब कई घंटे का एक्सपोर्टिंग कुछ ही मिनटों में कंप्लीट हो जाएगा। अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को काइन मास्टर में ऐड करें और इसके साथ जो भी करना है वो करें, कोई नहीं रोकने वाला। हाँ, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ा लो होगी, तो आप मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था क्वालिटी लो होगी। हाँ, तो आपने तीनों तरीके के बारे में जान लिया,
अब बारी आती है कि मैं इनमें से कौन तरीके यूज करता हूँ अपनी कार्टून वीडियो को एडिट करने में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। तो इनमें से ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर को छोड़कर बाकी दोनों तरीके यूज करता हूँ, क्योंकि एक तो हम इतने मेहनत से स्क्रिप्टिंग एडिटिंग करते हैं किस लिए, कि वीडियो अच्छी बने, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। मेरे पास समय रहता है तो कभी पावर डायरेक्टर में एक्सपोर्ट करके काइन मास्टर में एडिट करता हूँ, लेकिन जब समय की कमी रहती है तो सीधा पावर डायरेक्टर में ही एडिट करता हूँ। अगर आप टाइम पास के लिए एनिमेशन बना रहे हैं तो स्क्रीन वाले ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपको भी सजेशन दूंगा कि पावर डायरेक्टर और काइन मास्टर में ही बाइंग कार्टून्स की वीडियो एडिट करें। इसके अलावा आपको इन तीनों में से कौन सबसे बेस्ट तरीका लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आगे भी ड्राइंग कार्टून्स में एनिमेशन करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद। चलो जाओ, छुट्टी हो गई, कल फिर आना हाजरे लगाने।